हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्स यूनिट थ्री, एक्सरसाइज 3.2। और जी पेज नंबर 22। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। स्टूडेंट नीचे जो ये नंबर दिए गए हैं इनमें 8 डिजिट है, तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। इसमें 8 डिजिट की बतानी है, इसमें भी, और स्टूडेंट इसमें भी, ए बी सी तीन नंबर है, इन तीनों में आपको 8 नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 8 नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू बताने से पहले हम आपको पहले प्लेस वैल्यू निकालनी सिखाते हैं। स्टूडेंट एक मिनट देख लीजिए, मान लीजिए स्टूडेंट किसी की प्लेस वैल्यू बतानी है, मान लीजिए यह डिजिट है, सबसे पहले इसके ऊपर वन स्टैंड डाल लीजिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो स्टूडेंट जैसा आपको थ्री की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो थ्री की प्लेस वैल्यू बतानी है, और थ्री की प्लेस क्या है जी, थाउजेंड है। तो स्टूडेंट आप ऐसे थाउजेंड लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई थाउजेंड इक्वल टू 3000। ओके स्टूडेंट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, भाई ये थ्री है, इसकी प्लेस क्या है, थाउजेंड। तो स्टूडेंट 3000 होगा, आप 3000 लिख दें, वो इसकी प्लेस वैल्यू है, अगर आप मल्टीप्लाई करके नहीं देखना चाहते। तो स्टूडेंट देख लीजिए, जैसे 2 है लिख रहा, 2 की प्लेस क्या है, 100। तो स्टूडेंट जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी वो 200 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200, ठीक है जी। तो इस प्रकार हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब स्टूडेंट 1 की, 1 कौन सा प्लेस पे है, 10। तो स्टूडेंट ये 10 हो जाएगा, है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। और 9 की प्लेस क्या है जी, वंस, तो वंस का मतलब क्या हो, 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9। तो इस प्रकार आप स्टूडेंट इनकी प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। एक मेथड और है स्टूडेंट, ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, इसे देख लीजिए। जैसे 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको, 3 का अगर डिजिट देखिए कितनी है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होती है उसके आगे जितने भी नेक्स्ट जितनी भी डिजिट होती है स्टूडेंट उतनी ही 0 लगा देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो अभी आपने देखा था निकाल के, 3 की प्लेस वैल्यू 3000 आई थी, तो ये भी 3000 आई। ओके स्टूडेंट, तो हम आपको इसमें शॉर्ट मेथड के द्वारा ही आपको प्लेस वैल्यू निकलवाएंगे। ओके स्टूडेंट, आप देख लीजिए, अब इसमें आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ओके, तो आप स्टूडेंट ऐसे आप यहाँ 8 लिख सकते हैं कि भाई हमने 8 की प्लेस वैल्यू बतानी। तो स्टूडेंट देख लीजिए आप, 1 stands 100, जो 8 है वो 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो स्टूडेंट 800 पड़ा जाएगा, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है जी। अगर आप ऐसे नहीं निकालने चाहते तो आप 8 के आगे नेक्स्ट कितने डिजिट है, 1 2, तो स्टूडेंट आप 2 0 लगा दीजिए, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो सभी जितने भी नंबर हैं सब में 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब स्टूडेंट इसमें 8 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी इसमें भी। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो स्टूडेंट 8 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू निकल गई बिल्कुल सही, और हमें इसकी प्लेस भी देखनी नहीं पड़ी, वन स्टैंड्स नहीं करने पड़े, है ना स्टूडेंट। जितने सब जितने भी आगे नेक्स्ट डिजिट है उन सबकी 0 बनाते हुए चले जाओ, ठीक है जी,
सबको जीरो में कन्वर्ट कर दो, ये इसकी प्लेस है। आप वंस टेंस करके देख सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड लैक, टेन लैक करोड़, टेन करोड़, तो 80 करोड़ इसकी प्लेस वैल्यू है जी। ठीक है जी। अब इसमें एट की, एट लिख लिया स्टूडेंट, अब सिक्स की भी जीरो कर लेंगे, जीरो की जीरो ही रहोगी, वन की भी जीरो और वन की भी जीरो और थ्री की भी जीरो। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जीरो है तो ये इसकी हो गई स्टूडेंट प्लेस वैल्यू निकल गई। तो आप वंस टेन करके देख सकते हैं, वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और लैक, एट लैक इसकी प्लेस वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, तो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी आ गई। तो स्टूडेंट देखिए, डिजिट तो एट ही है, अगर उसका प्लेस चेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है ना स्टूडेंट। तो अगर हम डिजिट एक ही है, अगर उसकी उसका प्लेस चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू घट सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है जी, तो प्लेस का महत्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर टू, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। स्टूडेंट ये नंबर दिए गए हैं, इनमें जो लाइन डिजिट अंडरलाइन है उसकी प्लेस बतानी है बस आपको, उसी की प्लेस बतानी, उसी की फेस बतानी। फेस माने होता है स्टूडेंट चेहरा, जो हमें दिखाई देता है। तो जो जो भी डिजिट है स्टूडेंट, वही उसकी प्ले फेस वैल्यू होती है। मान लीजिए हमें इसमें एट की फेस वैल्यू बतानी, तो इसकी फेस वैल्यू स्टूडेंट एट ही रहेगी, क्योंकि प्लेस तो नहीं है ना, हमें फेस की वैल्यू बतानी। जो भी डिजिट हमें दिखाई देती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया आपको बात, और प्लेस वैल्यू आपसे निकालनी आई गई थी। तो स्टूडेंट सिक्स की, इस नंबर में हमें सिक्स की प्लेस और फेस वैल्यू बताना। हमने लिखा है एफ वी, एफ का मतलब फेस, वी फॉर वैल्यू। तो स्टूडेंट हमने शॉर्ट में लिख लिया है, फेस वैल्यू, पी फॉर प्लेस, वी फॉर वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो स्टूडेंट इसमें सिक्स हो जाएगी, और इसकी हमें क्या निकालनी, फेस वैल्यू, तो स्टूडेंट यही रहेगी सेम, सिंगल डिजिट जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा एक सिंगल डिजिट ही होती है, ध्यान रखें, कभी भी डबल में नहीं होने की। तब स्टूडेंट अब वन टू थ्री, थ्री डिजिट है इसके नेक्स्ट, तो आप थ्री जीरो लगा देंगे, तो वन स्टैंड हंड्रेड थाउजेंड, तो सिक्स थाउजेंड इसकी हो गई। ओ ये है स्टूडेंट इसकी प्लेस वैल्यू, ऊपर प्लेस वैल्यू थी। ठीक है जी, इसमें नाइन की बतानी, तो स्टूडेंट यहाँ पे नाइन आ जाएगा, इसमें एट की बतानी तो इसमें एट आ जाएगा, इसमें सेवन की बतानी तो स्टूडेंट यहाँ सेवन आ जाएगा। पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं सबकी, इसमें सेवन की बतानी तो इसमें सेवन, नाइन थ्री की बतानी तो स्टूडेंट थ्री, और सेवन की बतानी तो सेवन, और टू की तो स्टूडेंट टू। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये तो होगी इनकी क्या फेस वैल्यू, जो दिखाई देता है, जो भी डिजिट हमें दिखाई देती है वही फेस वैल्यू होती है, जो अंडरलाइन होती है। फेस वैल्यू हमेशा सिंगल डिजिट में होती है, ध्यान रखें। अब स्टूडेंट हमें इसी की क्या निकालनी, इसकी हमें निकालनी है जी प्लेस वैल्यू। तो देखिए वन टू थ्री, देखिए स्टूडेंट वन टू थ्री, नाइन से आगे थ्री डिजिट है तो थ्री की जीरो आ जाएंगी, तो थ्री का मतलब क्या है जी, ये थाउजेंड हो गया, थाउजेंड प्लेस है। आप एट की देख लीजिए, एट के आगे वन टू, टू जीरो है तो एट हंड्रेड हो गया स्टूडेंट। सेवन की निकालनी, तो सेवन वंस पे है तो स्टूडेंट सेवन की मल्टीप्लाई वंस से करेंगे तो सेवन वन जा सेवन, सेवन ही आएगा है ना। अब स्टूडेंट यहाँ भी सेवन की निकालनी, तो सेवन से आगे देख लीजिए कितने अंक हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट हैं तो फाइव जीरो लगा दीजिए स्टूडेंट, जीरो भी इतनी बड़ी होनी चाहिए जितना नंबर है। अब इसमें थ्री है
थ्री का नेक्स्ट कितने है जी, 1 2 2 0 लगा दीजिए। अब देखिए वंस टेंस हंड्रेड, तो स्टूडेंट 3 × 100 = 300 तो ऐसे निकल जाएगी। अब 7 की बता ली स्टूडेंट, 7 के आगे कितने अंक है, 1 एक डिजिट है तो 10 लग जाएगी, इसमें 2 से नेक्स्ट कितने हैं, 1 2 3 तो 30 लग जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये 2-3 मेथड थे जो मैंने आपको बताए, आपकी समझ में आ गए होंगे। एक तो आपको कैसे, जैसे कि ये है तो इनके वंस स्टैंड कर लीजिए, जैसे हमने अभी समझा था भाई ये 100 प्लेस पे है तो 800 होगा, 1000 प्लेस पे होता तो 8000 हो जाता है ना, और एक ये मल्टीप्लाई करके भी हमने आपको सिखाया है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द न्यूमरल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो स्टूडेंट आपको इन्हें, इनके लिए इन सारे डिजिट को ए बी सी डी है तो इन्हें आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। ओके स्टूडेंट, इसमें ये तो दिया नहीं कि इंटरनेशनल में लिखिए या फिर इंडियन में लिखिए, तो स्टूडेंट हम इंडियन में ही लिखेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के लिए सबसे पहले आप में आपको वन स्टैंड डालने होंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके स्टूडेंट, अब डाल दीजिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या नंबर है ए वाला, ए वाला जो नंबर है ऐसे हम वंस की साइड से लिखना शुरू करेंगे, 3 5 4 8 7 और 6। ओके स्टूडेंट, ये हो गया एक नंबर। अब दूसरा नंबर ये ए वाला था स्टूडेंट, यहाँ पे ए लिख देंगे, अब यहाँ नीचे इसके बी लिख देंगे, क्या है जी, 9 4 0 0 8 3 5। ओके स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब है इन सब के एक बार प्लेस वन स्टैंड लिख के उन्हें उनके नीचे लिखना स्टूडेंट, या मान लीजिए सबके नीचे सब पे वन स्टैंड डालना, ठीक है। अब सी वाला देख लीजिए, 5 9 8 0 0 0 3 और 4। ओके स्टूडेंट, अब डी, 8 0 3 0 5 0 6। तो स्टूडेंट ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट हो गया।
है ना, तो आपने जो भी नंबर थे इन्हें अरेंज कर दिया, यानी कि व्यवस्थित कर दिया प्लेस वैल्यू चार्ट में। ये प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब होता है जो भी आप नंबर दिए गए हैं वे सब आपको उनके ऊपर वन स्टैंस डालने होते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्लोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट आपको इन्हें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है बड़े रूप में लिखना, विस्तृत रूप में लिखना है इन्हें, है ना स्टूडेंट। देख लीजिए जैसे शॉर्ट है, इनकी ये नंबर है, तो इन्हें आपको ऐसे लिखना, इन्हें कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। और इन्हें देखो स्टूडेंट, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, ये होती है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इन नंबरों को तो आपको ऐसे एक्सपेंड करना और इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ध्यान पूर्वक समझिए, अगर किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना होता है तो हम उसके प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, है ना। तो हम इन सबकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे और इन्हें प्लस से प्लस का चिन्ह इनके बीच में लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी, तो देखो ये 4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। वैसे आप इन पे वन स्टैंड भी डाल सकते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो स्टूडेंट ये 4 लाख हो गया, तो आप यहाँ 4 लाख लिखेंगे। ठीक है जी, 4 लाख में कितनी जीरो आएंगी, 5, तो आप यहाँ 50 लगाएंगे। और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो स्टूडेंट ये इसकी प्लेस वैल्यू है 4 की। क्या है इसकी प्लेस वैल्यू, समझ गया। अब फिर जो 5 की प्लेस वैल्यू लिंक निकालेंगे आप, तो उसे हम प्लस के चिन्ह से ऐड करके दिखाएंगे। अब आपने प्लेस वैल्यू आपसे निकालनी आती है, हमने समझा रखी है, तो यहाँ 5 लिखिए। 5 के आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। फिर प्लस, ये 5 की प्लेस वैल्यू हो गई। अब 1 की प्लेस वैल्यू निकालिए, 1 के आगे कितने हैं जी, 1, 2, 3, तो स्टूडेंट 3। फिर प्लस, फिर हमें कहीं की प्लेस वैल्यू निकालनी 3 की। अब 3 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3 के आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 2 डिजिट है स्टूडेंट, 2 0 ऐड कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह ऐड करेंगे। फिर हमें कहेंगे निकालनी 9 की, और 9 के आगे नेक्स्ट कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, फिर प्लस, फिर 7 है, 7 की प्लेस क्या होगी, 1 प्लेस पे है तो स्टूडेंट 1 ही रहे, 7 ही रहेगी, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई ये प्लेस वैल्यू जो हमने निकाली वो सही है या गलत है, तो आप इन सबको स्टूडेंट ऊपर नीचे रख के जोड़ दीजिए। अगर यही वाला आंसर आ जाए तो आपकी प्लेस वैल्यू सही है, वरना गलत है। हम आपको एक करके दिखा रहे हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ लिखेंगे, ठीक है जी, फिर ये लिखेंगे, फिर तो स्टूडेंट अब आप इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ऐड कर लीजिए, 7, 9, 3, 1, 5, 4, तो स्टूडेंट ऐड करके ये आ गया, देख लीजिए, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 3, 3, 9, 9 और 7, 7, तो स्टूडेंट यही आ गया। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी स्टूडेंट, ये शॉर्ट होगी, और ये शॉर्ट है तो ये एक्सपेंड हो गई, तो इनके बीच में यही संबंध होता है, रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट, हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, 1 arrow 3 मेथड के नाम से है स्टूडेंट, आप उसे भी देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी एक्सपेंड कर रखा आप उसे चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है तो आप उसे ऐड कर दीजिए तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है जी, 3 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाइए। अब स्टूडेंट 7 की प्लेस क्या हो जाएगी, 7 का कितने डिजिट है, 5 जीरो लगाइए। अब स्टूडेंट 4 का आगे 4, फिर 8 के आगे 3, फिर 9 के आगे 2, फिर 6 और 1। तो स्टूडेंट ये एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो गया, याद रखिए। इसे विस्तृत इनके बड़े रूप में हमने लिखा है, इनके प्लेस वैल्यू के रूप में लिखा है इसे। अब सी वाला 4 1 2 3 4 5 6 अब कहीं की प्लेस निकालेंगे 7 की, तो 7 का आगे 5 2 3 4 5। अब 9 की, 9 का आगे 4 1 2 3 4 और 9 के बाद स्टूडेंट 7 की देख लीजिए, 7 का आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो आएंगी। फिर 5 की, फिर 8 की। तो स्टूडेंट आप अगर इन्हें इनके आंसर मैच करना चाहते हैं तो आप इन्हें ऐड करके इनके आंसर मैच कर सकते हैं। अब 2 की 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट 6 डिजिट है तो 6 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6। अब 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इसका आगे 5 जीरो आएंगी। ओके स्टूडेंट, अब 5 की निकाल लेंगे तो इसका आगे 4 जीरो आएंगी, आप काउंट करके देख सकते हैं। अब 9 की निकाल लेंगे तो इसका आगे 3 आएंगी। अब 6 की प्लेस निकाल रहे हैं तो इसके आगे 1 0 आएंगे और स्टूडेंट 3 की यही रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये प्लेस वैल्यू हो गई। अब स्टूडेंट अगर किसी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द न्यूमरल इन द शॉर्ट फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपको इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में करने का किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर आपको दी गई है आप उसे शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो स्टूडेंट सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है ऐड। इन्हें इन सबको आप ऊपर नीचे रख के ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड के सिंबल भी दिए गए हैं, है ना, तो इन्हें आप ऊपर नीचे रख के ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, तो हमारा आंसर जो आएगा वही ठीक है। तो देखिए 7 के आगे 5 0 है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 का आगे 5 0। ठीक है जी, फिर 8 का आगे 3 है। स्टूडेंट हमेशा वंस की साइड से लिखना शुरू करता है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, फिर 0 0 4, तो स्टूडेंट हमेशा ऐसे ही ऐड करेंगे। ठीक है, लिखेंगे जब भी कोई भी नंबर लिखना शुरू करेंगे तो उसे 0 राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखते हुए चलेंगे। तो भाई 0 0 और 5 5 हो गए, 0 0 0 3 3 हो गए, 0 0 4 4 हो गए, 0 8 8 हो गए, और ये 0 ही है स्टूडेंट, तो 0 ही रहेगी, और यहाँ 7 है तो 7 ही रहेगा। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप हमेशा अगर कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी गई है शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा है तो स्टूडेंट आप उसे हमेशा ऐड करके ही उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, 7 0 8 4 3 5। ठीक है जी,
तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, राइट द न्यूमरल इन शॉर्ट फॉर्म या राइट द न्यूमरल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट इन्हें तो आपको उसे भी शॉर्ट फॉर्म ही करना है, यानी कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा है तो उसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पता नहीं भाई कौन सा क्वेश्चन आ गया है ना। तो इसे शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, तो स्टूडेंट देखिए फाइव का आगे कितनी जीरो है, सेवन है, तो आप फाइव का आगे यहाँ सेवन जीरो लिखेंगे, होगी जी। अब सेवन का आगे कितनी है, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ फोर जीरो है थ्री के आगे, अब फाइव के आगे थ्री और एट। अब स्टूडेंट आप इन्हें ऐड कर लीजिए, जीरो 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 एट एट और जीरो 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 ही रहेंगी स्टूडेंट, जीरो 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 ही रहेंगी और जीरो 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 फाइव फाइव और जीरो जीरो थ्री थ्री और जीरो सेवन सेवन और जीरो की जीरो और फाइव का फाइव, ओके स्टूडेंट। अब ये आंसर आ गया, ऐसा आप यहाँ लिख दीजिए, फाइव जीरो सेवन थ्री फाइव जीरो जीरो एट, ओके स्टूडेंट। तो ये आंसर आ गया, तो आप इन्हें ऐड करके इन सब के आंसर लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट। एक मेथड और बताएं, अगर स्टूडेंट जीरो सही क्रम में है, यहाँ वन है टू फोर फाइव नाइन सेवन इसमें रह गया स्टूडेंट, यहाँ पे सेवन नहीं लिखा गया, इसमें भी स्टूडेंट ये सिक्स रह गया था भूल से, आप इन्हें चेक कर सकते हैं, एक जीरो दो जीरो तीन चार और पाँच, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो पाँच जीरो छः जीरो, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो पाँच जीरो और जी छः जीरो, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो पाँच जीरो और स्टूडेंट छः जीरो, ठीक है। अगर स्टूडेंट सारी जीरो आपके पास इक्वल है, यानी कि कहने का मतलब है जीरो का क्रम सही है, एक एक जीरो अगर बढ़ती हुई जा रही, तो स्टूडेंट आप इन्हें ना जोड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए तो आप यहाँ पर टू लिखेंगे, यहाँ फोर, यहाँ पे फाइव नाइन सेवन सिक्स थ्री, तो देखिए यही आंसर आ रहा होगा बिल्कुल, टू फोर फाइव नाइन सेवन सिक्स थ्री आया ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम इन्हें बिना ऐड करे भी कर सकते हैं, बशर्ते जीरो का क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए, एक एक जीरो बढ़ती रहनी चाहिए स्टूडेंट, अगर कहीं जीरो कहीं गैप हो गई, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए देखो यहाँ वन जीरो है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, तो यहाँ फोर जीरो नहीं होगा स्टूडेंट, फाइव जीरो होगी, तो एक जीरो रहेगी ना गैप होगी, तो हमने एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें जीरो सही नहीं है, तो आप उन्हें ऐड ही करेंगे, क्योंकि उसे आप गलत कर सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट ऐड ऊपर नीचे रख के ऐड करिए, वही मेथड बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो
तो भाई जीरो जीरो कैसे बढ़ रही है कैसे लिख देना, तो आप बिना ऐड करे भी इसे लिख सकते हैं। लेकिन जीरो क्रम, जीरो का क्रम सही होना चाहिए, पहले एक जीरो फिर दो जीरो, यहाँ तीन होनी चाहिए, यहाँ चार होनी चाहिए, यहाँ पाँच, यहाँ छः, यही क्रम होना चाहिए। एक जीरो आगे आगे बढ़ती हुई जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट, लेकिन देखिए अब इसमें है सेवन है, सही है, वन जीरो है स्टूडेंट, यहाँ टू टू जीरो होनी चाहिए थी, थ्री है, तो एक जीरो यहाँ ऐड हो जाएंगी, है ना। ये तो आप इस बात को याद रखिए, ठीक है जी। तो इन्हें ऐड कर लीजिए, सिक्स, सिक्स के आगे कितनी जीरो है स्टूडेंट, सिक्स ही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे ऐड करने में हमें टेंशन नहीं रहती स्टूडेंट कहाँ कितनी जीरो है। अब इसमें फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, अब इसमें फोर है, वन टू थ्री फोर, अब इसमें थ्री है, वन टू थ्री, अब स्टूडेंट इसमें टू है और यहाँ पे सेवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐड कर दीजिए, सेवन टू जीरो फोर सिक्स फोर सिक्स, तो जी आंसर आ गया। तो ऐसे यहाँ पे आप लिख देंगे सिक्स फोर सिक्स फोर जीरो टू सेवन। तो स्टूडेंट अगर कोई डिजिट गैप है तो ऐड करने से वो अपना आप ही कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें कितनी जी है, थ्री थ्री सिक्स और वन सेवन है स्टूडेंट। तो अगर हम इसे बिना ऐड करें देखिए करके, देखो स्टूडेंट यहाँ पे एट है तो हम एट लिख देंगे, तो यहाँ से कितनी है स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, तो इसमें कितनी होनी चाहिए सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ सिक्स है तो यहाँ कितनी होनी चाहिए थी, तो यहाँ फाइव होनी चाहिए थी, एक रह गई तो हमने एक जो रह गई उसकी जीरो लगा दी। फिर स्टूडेंट यहाँ कितनी होनी चाहिए थी, फोर, तो स्टूडेंट फोर भी नहीं है, फोर की भी हमने एक जीरो लगा दी। अब ये थ्री हो गया, थ्री से टू जीरो है, फिर वन जीरो है और टू है, ओके स्टूडेंट। तो आप इन्हें देखो, हमने बिना ऐड करे किया था, इसे ऐड करके भी देख लेते हैं एक बार, एक दो तीन चार पाँच छ सात, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, स्टूडेंट सेवन ही है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब थ्री, अब टू है, नाइन है, देखिए ठीक आ रहा था, कहाँ गलती होगी, सिक्स है, थ्री है, जीरो है, जीरो है, सिक्स है, एट है, ओके स्टूडेंट। देखिए बिल्कुल सही आंसर आया ना ऐड करके। तो अगर आप इसे ऐसे अगर करेंगे तो आपको बहुत तेजी बहुत शेर से काम लेना होगा, ओके स्टूडेंट। तो आप इस मेथड को यूज ना करें, ऐड वाले ही मेथड को यूज करें, ठीक है।
अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आप इसे कर सकते हैं इस प्रकार, तो आप ऐड से ही करें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये आपकी शॉर्ट फॉर्म होगी, आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। इन्हें इस प्रकार लिखना है, इन्हें इस प्रकार लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग नंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है जी, जैसा आप नर्सरी LKG UKG में पढ़ते हैं स्टूडेंट, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्या पढ़ते हैं आप, जैसे ये 5 दे दिया, इससे पहले वाली डिजिट लिखिए तो स्टूडेंट, और यहाँ 7 दे दिया, इसके बाद वाली लिखिए, ये तो जस्ट बिफोर है, ये जस्ट आफ्टर है। ठीक है जी, तो अगर आप कहेंगे, आपको कहा जाएगा कि भाई 4 से 5 से पहले क्या आता है, तो आप बता देंगे 4 आता है। तो ये 4 आया कैसे स्टूडेंट, बिफोर माने पहले, यानी कि अगर आप 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप जस्ट आफ्टर, ये 7 है, 7 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 8 आ जाएगा, आफ्टर का मतलब है बाद में, यानी कि अगले वाली डिजिट, तो 7 के बाद क्या आएगी, जस्ट आफ्टर 8। तो स्टूडेंट 8 कैसे आया, ऐड करके, और जस्ट बिफोर कैसे आया, माइनस करके 1, और जस्ट आफ्टर 1 प्लस करके। तो स्टूडेंट आगे चलकर ये जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर ये प्रीडिसर और ये सक्सेसर में चेंज हो गई। ठीक है जी, तो ये तो प्रीडिसर होगा, ये सक्सेसर होगा। तो स्टूडेंट कोई भी डिजिट है उससे नेक्स्ट डिजिट जो होती है वही सक्सेसर होती है, है ना स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए ये 99 है, तो आपसे कहा जाए 99 के बाद क्या आएगा, तो आप एकदम बता देंगे कि 100 आएगा। जो ये 100 वाला नंबर है स्टूडेंट, ये ही सक्सेसर है ना। सक्सेसर क्यों है, क्योंकि इसमें 1 ऐड करके नेक्स्ट डिजिट आपको प्राप्त हुई। ठीक है, तो आप कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट हो स्टूडेंट, उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए तो आपको उसका सक्सेसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट अब देखिए यहां क्या है, ये 4 है स्टूडेंट, अगर हम 4 में 1 प्लस करेंगे सक्सेसर निकालना, तो 1 प्लस करेंगे, 4 में 1 प्लस कर दिया कितना आ गया जी 5। अब स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट डिजिट है ये अगले वाली, उनमें कुछ भी प्लस नहीं होने का, तो ये सारी सेम की सेम आ जाती है। एट लैख 23,564 था, तो 564 के नेक्स्ट क्या आएगा, 65 आएगा ना, तो 8,23,565 के बाद में 5 आएगा, यानी कि 4 से नेक्स्ट डिजिट होगी वो जो 5 होगी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ 7 है, 7 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8392803। ठीक है जी, अब स्टूडेंट ये है, अगर इसमें हम 1 प्लस करेंगे स्टूडेंट, एक मिनट, तो स्टूडेंट जो दूसरे वाली संख्या थी, देखो इसमें कैरी नहीं आया था, 4 में हमने 1 प्लस करा 5 हो गया, है ना, 7 में हमने 1 प्लस करा 8 हो गया, लेकिन अब यहाँ 9 है, 9 में 1 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ 10 9 9 ऐसे, कुछ स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं जो गलत होता है ना। जब आपसे ऐड करना आता है तो आप सही तरीके से ऐड कीजिए, 9 1 10 carry 1 9 1 10 carry 1 9 1 10 carry 1 0 1 1 और 5, तो स्टूडेंट ये आएगा। ठीक है, अगर 9 है तो आप उसे जरूर, अगर आप सक्सेसर निकाल रहे हैं तो उसे जरूर आपको क्या करेंगे, ऐड करके ही देखेंगे। तो ये आ जाएगा, ठीक है जी, तो आप ऐसे ऐड कर लेंगे।
अब ये है स्टूडेंट, इसमें भी नाइन है तो स्टूडेंट इसे भी ऐड कर लीजिए, नाइन वन टेन कैरी वन, सिक्स और वन सेवन, आप देख सकते हैं स्टूडेंट 69 है, 69 के बाद 70 आता है, आगे कैरी कुछ भी नहीं ऐड होने का, तो स्टूडेंट सेम के सेम आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपका स्ट्रक्चर था, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो डिजिट आपको दी गई होती है उससे अगले वाली डिजिट को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं या जस्ट आफ्टर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सिर्फ नाम बदल गए, डिजिट बढ़ गई, बड़ी हो गई, बस करने का मेथड वही है सेम। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका सेविंग। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्रेडिसर ऑफ द फ्लोइंग। स्टूडेंट अभी हम आपको इस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं कि प्रेडिसर और सक्सेसर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जी वन माइनस, किसी भी डिजिट में से माइनस वन कर दीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ 8 लिख रहा है स्टूडेंट, 8 में से आप वन माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 7, तो स्टूडेंट यहाँ 7 आ जाएगा, 7 8 9 0 0 9, है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर 0 है लास्ट में तो उस क्वेश्चन को जरूर आप माइनस करें। ठीक है जी, तो यह स्टूडेंट हम आपको एक मेथड और बताते हैं, ये तो हमने बता ही दिया आपको कि अगर 0 है लास्ट में, अगर आपको प्रेडिक्शन निकालना तो उसे जरूर माइनस करके देखें। अगर आप माइनस नहीं करना चाह रहे, सभी संख्या 0 है और एक डिजिट है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ है एक डिजिट है बाकी सब 0 है, तो जितनी भी 0 है सबको 9 9 बना दीजिए सबका, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है तो 6 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और जो भी लास्ट में स्टूडेंट डिजिट है उसमें से 1 माइनस करके यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो बस ये अपना आप माइनस हो गया। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे यहाँ स्टूडेंट 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 के 9 यहाँ भी 9, 9 के 9 यहाँ भी 9, 9 के 9 ही रह जाएंगे, यहाँ भी 9 है तो 9 के 9 रह जाएंगे, और यहाँ भी 9 रहेंगे स्टूडेंट यहाँ भी 9 रह जाएंगे, और 1 इधर के नीचे लगा तो यहाँ 6 रहेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 ही रहेंगे। ठीक है, आप माइनस करके देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ 9 है, 9 में से 1 गए 8, और 1 का 1, 9 के 9, 1 3 6 8। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ 5 है, 5 में से 1 गए 4, और बाकी जो डिजिट है स्टूडेंट सेम की सेम रहेंगी, चाहे आप माइनस करके देख लीजिए अब कॉपी पे, आंसर यही आएगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फ्लोइंग पैटर्न। अब स्टूडेंट आपको ये पैटर्न समझना है कैसे हो रहा, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देख लीजिए पहले वाली डिजिट बड़ी है या दूसरे वाली डिजिट बड़ी है। ठीक है, कोई भी पैटर्न को समझने के लिए आप ऐसा करेंगे। ठीक है जी, तो हमें पता चला 5 डिजिट है इस नंबर में, इसमें भी 5 डिजिट है, तो स्टूडेंट ये वाली बड़ी है सेकेंड वाली, अगर जो भी डिजिट बड़ी होती है उसमें से पहले वाली माइनस कर देंगे, अगर पहले वाली बड़ी होती है तो उसमें सेकंड वाली माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए 3 1 3 6 से लिख के हमने पहले वाली माइनस कर दी, 0 0 0 0 1, तो स्टूडेंट क्या आ गया 10,000 आ गया, आ गया ना 10,000। तो स्टूडेंट हमें पता चला इस संख्या में हमने 10,000 ऐड करे तो ये नेक्स्ट डिजिट आती है। अब स्टूडेंट अगर इस संख्या में हम 10,000 ऐड करेंगे देखो,
तो हमें नेक्स्ट डिजिट प्राप्त होगी स्टूडेंट। देखो आई ना ये डिजिट अपना भी, तो सब में इन सब में आपको पता चलेगा कि 10,000 ऐड करेंगे प्लस 10,000। तो स्टूडेंट ऐसे ऐड करने में प्रॉब्लम रहती है ना, तो आप देख लेंगे। देखो यहाँ 2,000 पर 10,000 प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो स्टूडेंट ऐसे ही यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा 10,000 प्लेस पे, और बाकी डिजिट स्टूडेंट सेम की सेम लिखते हुए चले जाएंगे। या आप ऐड भी कर सकते हैं 1362, आप ऐसे ही लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऐड कर लीजिए। अब नेक्स्ट है, इसमें 5 नंबर है, 5 ये इस नंबर में 5 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है। ओके स्टूडेंट, देखिए ये छोटी है ये बड़ी है, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे। एट में से 5 गए 3, तो स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा 300 ऐड हो रहा। देखो यहाँ 500 था, यहाँ 800 होगा, 3 प्लस हुए ना, तो स्टूडेंट अब हम इसमें 8 में हम 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 1 यहाँ रह जाएगा, और एक कैरी 2 कैरी स्टूडेंट इधर चले जाएंगे, तो हमें आपको ऐड करके ही दिखा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट ये है 16808, इसमें हम 300 ऐड कर रहे हैं, 808 और 311 कैरी 1617 ये आ गया स्टूडेंट, आ गया है ना यही, तो हमें पता चल गया इसमें 3 प्लस 300 होंगे, इन सब में 100 प्लेस पे 3 प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे थे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 17 तो सेम का सेम रहेगा, अगर यहाँ हम 3 ऐड करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, 08 17 508 17 608। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपके ऐड वाले क्वेश्चन उठते हुए चले जाएंगे। तो स्टूडेंट इसमें ये गलत हो गया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने 3 ऐड होना था ना, एट और 311 कैरी 1, तो यहाँ 18 हो जाएगा स्टूडेंट। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं, इसमें डाउट लग रहा है। तो स्टूडेंट क्या है 17408 है, इसमें हम 300 ऐड करेंगे, 80771। अब इसमें फिर 300 ऐड कर दीजिए, 80731010 से लगा 1 और 8, तो ये आ गया स्टूडेंट 18008। ओके, तो भाई अगर आप इन्हें ऐसे ही ऐड करेंगे, ऐसा अंदाज़ा लगा के ना करें, क्योंकि अंदाज़ा गलत हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हो गया भूलवश, है ना। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट को देखिए, अब इस नंबर में भी 5 डिजिट है और इसमें भी,
तो स्टूडेंट आप देखेंगे आप इसमें कितने ऐड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमें पता चल गया कि 100 प्लस हो रही है, प्लस 100 1000। तो स्टूडेंट 1 stands 100,000 यानी कि 1000 प्लेस पे 1 ऐड हो रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया स्टूडेंट, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है जी, 604 सेम का सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, हम आपको एक ऐड करके दिखा रहे हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि हाँ भाई ये सही चल रहा। देखिए 54604 है स्टूडेंट, हम इसमें 1000 ऐड कर रहे हैं। 4065 तो देखो स्टूडेंट ऐड कर दिया ना, तो यही आंसर आ गया। तो इसमें फिर हम 1000 ऐड करेंगे स्टूडेंट, 40665 देख लो 56604। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देख लीजिए, ये डिजिट बड़ी है छोटी है, तो इसमें से हम पहले वाली माइनस कर लेंगे। जीरो 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गए 0 और 9 में से 9 माइनस कर गए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इन सब में 100 प्लस हो रहा, ठीक है जी, इन सब में 100 प्लस हो रहा। तो देखो स्टूडेंट 100 प्लस पे यहाँ 5 था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 92886। अब 92986 ओके स्टूडेंट, अब 93086 स्टूडेंट, हम आपको इसमें 100 ऐड करके दिखा रहे हैं कि ये या होगा या नहीं। 6 का 6, 8 का 8, 9 1 10 की 0 कैरी 1 और 2 और 1 3 और 9 देख लीजिए स्टूडेंट, यही है। ठीक है जी, तो इस प्रकार ये आपके पैटर्न है, तो आप इन्हें कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपको सेकंड डिजिट में से पहले डिजिट माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इनमें कितने ऐड हुए। तो स्टूडेंट इन सब में ऐड ही हो रहा है, किसी में भी माइनस नहीं है या और कोई पैटर्न नहीं है, इन सब में 8 वाले क्वेश्चन में सब में ऐड करके नेक्स्ट डिजिट प्राप्त की गई है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 3.2 ये कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अगर आपको लगता है स्टूडेंट कभी कभी भूलवश कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे वो बाद में ठीक भी हो गई थी, जैसे उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में थी है ना, जब हम उन्हें चेक करते हैं तो मिस्टेक निकल जाती है, तो हमें अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए है ना, कि भैया अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उसे क्वेश्चन को करने के बाद में उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या गलत है। अगर चेक नहीं करते तो स्टूडेंट गलत ही रह जाएगा और वो गलती नंबर आपके कटवा सकती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।